ऑलराइट, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं कल वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज कल गाइस हमारे काम लगा था। देखो ये जो दीवार है, ये दीवारें बनी थी कल, ये वाली दीवार और ये इस वाले में काम चल रहा है। सो ये वाली दीवार अभी बनी थी कल और ये वाली कल। गाइस काम बहुत था तो ईंटें लानी थी, ईंटें बार बार ला रहे थे हम, तो ये सब देखना पड़ रहा था, तो इसलिए मैं कल वीडियो बिल्कुल शूट नहीं कर पाया। तो गाइस इस समय मैं बिजी रहूंगा बिकॉज अभी मेरे पे 15 मिनट थे, तो मैंने चलो शूट कर लेते हैं वीडियो, फिर मिस्त्री चाचा आ जाएंगे तो नहीं बना पाऊंगा मैं वीडियो। तो बस गाइज यही काम चल रहा है, इतना हुआ था। ये चुनाई और ये वाली दीवार और ये वाली दीवार हुई थी, तो इसीलिए मैं गाइज मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, गाइज बहुत काम था। और गाइज ये देखो मसाला रखा है, जब मिस्त्री चाचा आएंगे तो इसमें पानी डाल के हम इसे बनाएंगे। और ये रमन सब ऐसे रखा हुआ है, ये यहाँ से दीवार पूरी बनी है, ये देखो यहाँ से बनी है ये, और दूसरी दीवार ये है। अब इसके ऊपर ये जो छोड़ा है ना, इधर टाँड बनेगी, तो इसके ऊपर टाँड बनेगी तो फिर और ऊँची जाएगी दीवार। और अब इस पर काम चल रहा है, ये बांधा हुआ था, ऐसे बांधा है ये और ऐसे काम चल रहा है ये। और गाइस ऋतिक को देखो ईंटें ला रहा है, गाइस हमारे साथ बहुत काम करवाता है ये भी भाई, ला मैं पकड़ लूँ, ये बहुत काम करवाता है गाइस ऋतिक भी हमारे साथ ईंटें लाता है। और गाइस इसको देखो, ये बार बार उस घर से बार बार इधर ही आ जाता है, ये इसका मन इधर ही लग गया, सन्नी इधर ही आ जाता है बार बार, छेड़ता रहेगा सामान कभी, देखो मोरंग छेड़ेगा कभी, बस छेड़ता रहेगा ये सब सामान। देखो ये देखो, ये देखो कहाँ घुस गया, ये देखो गाइस ऐसे ही, बाबू हटो मारेंगे पापा, वरना काम छेड़ता रहेगा। ये देखो गाइस छेड़ता रहेगा कुछ ना कुछ, कभी कन्नी लग, अबे रख दे भाई, मिस्त्री है तू चल, हेल मिस्त्री छेड़ता रहेगा। तो अब जा रहा हूँ मैं ईंटें उठाऊंगा, सब ईंटें उठा रहे हैं रमन ऋतिक राहुल भाई और मैं, और उसको देखो हरामी को, ये बस सामान छेड़ता रहेगा बस और कुछ नहीं करेगा। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी लंच हुआ है, तो मिस्त्री चाचा गए लंच करने और अभी हम सब भी लंच कर लेंगे, फिर 2 बजे दोबारा काम स्टार्ट होगा। अभी ये वाली दीवार बनाई थी और ये वाली बन रही है। अब अभी नहाऊंगा बिकॉज कल मैं नहाया भी नहीं, कल काम खत्म हो गया, कहीं शाम को 6 बजे खत्म होता है काम, तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाया, आज मैं शूट कर रहा हूँ। अब जाऊँगा मैं भी नहाऊंगा पहले, फिर लंच करूंगा। सो गाइस मैंने नहा लिया है और मैंने लंच भी कर लिया है। सो गाइस काम स्टार्ट हो गया है, अब मैं ईंटें लेके जा रहा हूँ, अब काम करता हूँ मैं। सो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और काम खत्म हो गया और अभी टाइम हो रहा है 6:12 हो रहे हैं। बस काम रहता है बहुत, तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाता, तो ये बस खाना बन रहा है। चाची खाना बना रही है और सन्नी को दूध पिला रही है। वो सन्नी सन्नी दूध पी है, दूध पी रहा है, खाना बन रहा है अभी। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और डिनर वगैरह सब हो गया है और अभी सब कोई सो भी गया है। ये व्लॉग मैं अभी एंड नहीं करूंगा, ये व्लॉग मैं कल एंड करूंगा बिकॉज बहुत छोटा व्लॉग है ये, तो इसीलिए इसे कल एंड करूंगा, 2 दिन का एक व्लॉग होगा बस। अभी मैं सोऊंगा तो मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह, बाय। सो गाइज गुड मॉर्निंग गाइज, ये है सेकेंड डे, अभी मैं उठाऊ, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और मम्मी इधर खाना बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हो? आलू बैंगन सब्जी चावल रोटी। अच्छा, और गाइस को देखो ये जो उठाने बोल रहा हूँ और रजाई के अंदर घुसा है रमन ने, देखो फोन चला रहा है आराम से, चले उठ रहे और ये देखो फोन, इधर फोन चला रहा है आराम से। और गाइस मैं अभी चाय पी रहा हूँ, ममता भी है, अभी चाय पी रहा हूँ और सनी रो रहा है, वो उसको रस नहीं दिया ना, रो रहा है वो, देखो। सो गाइस को देखो कैसे खा रहा है ड्रामेबाज, अभी रो रहा था अब खा रहा है, और देखो कैसे देख रहा है ऐसे, ये इसको नाश्ता दो खाता नहीं है, फेंक देगा, फिर मैंने भी दिया तो अब खा रहा है, ये देखो शुरू शुरू कर रहा है, शुरू 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 ऐसे ही है ये सन्नी और मस्त है गाइस। सो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं अपने नए वाले घर पे हूँ और कल गाइस ये काम हुआ था, मैं आपको दिखा दूँ कल क्या काम हुआ था। ये जो पीछे वाली दीवार है ये बनी थी कल इतनी, और ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा खड़ा हुआ था, देखो अभी दरवाज़ा काम चल रहा है, वो देखो इतनी दीवार, यहाँ से दीवार खड़ी होगी और यहाँ एक खिड़की लगेगी, तो अभी यहीं से काम स्टार्ट होगा, ये दीवारें खड़ी होगी और
फिर उसके बाद फिर इधर ये जो जगह छोड़ रखी है ना, ये इधर टाँड बनेगी। हमने नीचे बनाया है, किसी भी रूम में एक भी टाँड नहीं है, तो मम्मी ने बोला कि ऊपर एक टाँड होनी चाहिए। पापा कह रहे इधर बना दो, फिर तो इधर बनेगी, तो आज ही बनेगी। पहले दरवाजे का काम होगा, दरवाजे की चुनाई हो जाएगी, इसके बाद फिर टाँड बनेगी। काम रहता है कभी कभी मैं बहुत कम शूट कर पाता हूँ, वरना मेरा तो खुद मन करता है मैं शूट करूँ। बहुत ईटे लाना होता है, फिर मसाला बना के देना होता है, तो बहुत काम रहते हैं, तो उसके लिए मैं शूट नहीं कर पाता। तो अभी टाइम मिला था और अभी टाइम हो रहा है 8:30, आधे घंटे बाद मिस्त्री चाचा आ जाएंगे, फिर काम स्टार्ट होगा, फिर दोबारा लग जाएंगे। ईटे है नहीं बिल्कुल, ईटे देखो, ईटे है ही नहीं छत पे, देखो इतने ईटे हैं, तो ईटे लाने पड़ेंगे। और अभी पूरा बनेगा, 20-25 दिन लग जाएंगे बनने में से। तो और गाइज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं गया था मोहनगंज, तो वहाँ बंद था, तो फिर उसके बाद ही काम स्टार्ट हो गया, तो अब मैं इसमें इतना बिजी हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बना तो मैं रहा हूँ बट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, और बस यही एक बात है गाइज। मैं बिजी भी होना, मैं चला जाता है इन्होना, तो वहाँ मम्मी को लेकर चला जाता है मैं, बट गाइज अभी काम चल रहा है, तो इसको छोड़ कर तो जा नहीं सकते हम, तो इसी लिए। वरना मेरे को वीडियो अपलोड करने का बहुत कमेंट आ रहे हैं, मेरे दोस्त वगैरह सब कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया यार, वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं। तो गाइज यही है, कोई नहीं होगा, सब्र का फल मीठा होता है। अभी ये काम नहीं होता ना, चला जाता मैं, बट अभी ये काम है, तो काम भी करवाना जरूरी है। वीडियो में रोज बना रहा हूँ बट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बस यही टेंशन है, बट कोई नहीं होगा। सो गाइज मिस्त्री चाचा आ गए हैं, तो काम स्टार्ट हो गया है, और हम ईटे लेके जा रहे हैं। ये देखो ऋतिक और ममता लेके जा रहे हैं ईटे, ये ऋतिक बहुत काम करवाता है हमारे साथ, जाओ ऋतिक, छोटा सा है काम बहुत करता है गाइज। सो गाइज लंच हो गया है, और अभी मैं घर पे ही हूँ, तो अभी पहले नहाऊंगा गाइज, बिकॉज बहुत गंदा हो जाता है, तो नहा लेता हूँ ना तो सही रहता है, तो पहले नहाऊंगा फिर लंच करूँगा, आपको मिलता हूँ नहाने के बाद। मैंने नहा लिया और लंच भी कर लिया है, और अभी भी मैं अपने नए वाले घर पे हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या काम होगा। तो आज ये गाइज ये वाली दीवार, दरवाजे वाली ये दीवार पूरी यहाँ से बनी ये, और पीछे मेरे ये देखो इधर ये टाँड बनेगी अब, तो ये खड़े करे थे गाइज, ये चीज़ खड़े करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये खड़े करे, तो अब मिस्त्री चाचा आएंगे तो टाँड बनेगी इसके ऊपर, और बस अभी ये धीरे धीरे होगा गाइज, 15-20 दिन लगेंगे गाइज, तो पूरा बन जाएगा। तो अभी यही काम हुआ था, सही लग रहा है गाइज, पूरा बन जाएगा, मस्त लगेगा घर। और मैं आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, जितना हमारा भी बन चुका है, मैं आपको उसके सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, तो जाओ देखो गाइज। सो गाइज बस इतना ही बना है, मैंने आपको इसके सिनेमैटिक शॉट दिखा दिए, बड़ा प्यारा लग रहा है गाइज, पूरा बनने के बाद ये और प्यारा लगेगा। जितना बना था मैंने आपको दिखा दिया, जितना बनता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। बस अभी काम स्टार्ट होने वाला है, 2 बजने वाले हैं, तो अभी काम स्टार्ट होगा। सो गाइज मिस्त्री चाचा आ गए हैं, अब काम स्टार्ट होगा, करते हैं काम गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ फिर। सो गाइज काम खत्म हो गया है, और मैं घर पे आ चुका हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं, और चाची इधर खाना बना रही है। क्या बनाया चाची? दाल चावल रोटी। और गाइज मैं मार्केट भी जा रहा हूँ, मेरे को बल्ब लेना है, तो पापा ने बोला बल्ब लिया, तो मैं जा रहा हूँ मार्केट बल्ब लेने, तो चलते हैं। सो गाइज मैं मार्केट से आ गया हूँ, और अभी मैं घर पे हूँ, और येरी ममता, मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया बिकॉज अंधेरा हो गया था बहुत, तो इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं करा, और यहाँ पे जल्दी अंधेरा जाता है गाइज। तो सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:00, और मैं डिनर कर रहा हूँ, डिनर में है दाल चावल, सो मैं खाता हूँ इसे, खुशबू बड़ी मस्त आ रही गाइज, तो खाता हूँ मैं पहले। सो गाइज डिनर वगैरह सब हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है 9:00, और सब कुछ सो गया है, ममता और सन्नी मेरे पीछे सो रहे हैं, और अब मैं भी सोऊंगा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।